क्या आपको पता है इंडिया में 90 लाख से भी ज़्यादा टीचर हैं, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको टीचर बनना हो तो फिर आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स कौन से होते हैं इंडिया में। इंडिया में बेसिकली 5 तरह के टीचर होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्री प्राइमरी टीचर, जो 3 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। देन प्राइमरी स्कूल टीचर, जो 6 से 12 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। देन सेकेंडरी स्कूल टीचर, जो 6 से 10th क्लास को पढ़ाते हैं। देन सीनियर सेकेंडरी टीचर, जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। और उसके बाद आते हैं लेक्चरर, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर के बारे में, जो 3 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर बनना है तो फिर आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, और कहाँ पे आप काम कर सकते हैं वो कोर्स करने के बाद। तो अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर बनना है तो फिर आपको NTT का कोर्स करना पड़ेगा। NTT का फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो इंडिया में अगर आपको नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो फिर NTT का कोर्स करना इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि NTT होता क्या है। NTT 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो नर्सरी टीचर बनने के लिए कंपलसरी होता है। अब हम देखते हैं इसको, अगर आपको टीचर बनना है तो फिर उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या फिर क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, आपको 12th में मिनिमम 50% आने चाहिए। बट अगर आप SC और ST स्टूडेंट है तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन वहाँ पर मिल सकता है। अब हम देखते हैं NTT टीचर बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन 2 तरह से हो सकता है। फर्स्ट होता है आपके 12th में जितने मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं और उसके बाद ही वो आपका एडमिशन देते हैं। तो इन दोनों तरीके से आपका NTT में एडमिशन हो सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज कि वो आपको एडमिशन किस प्रोसेस से लेते हैं। देन हम बात करते हैं इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये 1 साल का कोर्स होता है जिसमें 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं अब आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस का नाम बता देता हूँ जो NTT कराते हैं। फर्स्ट है भारतीय शिक्षा परिषद, ये लखनऊ में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, ये दिल्ली में है। भवन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये कोची में है। और नर्सरी टीचर स्कूल नागपुर में है। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कराते हैं, बट ये कुछ एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मैंने आपको नाम बताया जहाँ पर आप जाके कोर्स कर सकते हैं। तब हम बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो इस कोर्स की फ़ीस 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में हो सकती है, डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज। हर कॉलेज अपना एक अलग से चार्ज करता है, तो 5,000 से 25,000 के बीच में इसकी फ़ीस हो सकती है। तो अब हम देखते हैं, आपने NTT का कोर्स कर लिया तो फिर उसके बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो आप स्कूल में जॉब कर सकते हैं, प्री नर्सरी स्कूल में जॉब कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट ट्यूटर भी बन सकते हैं और बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है कोर्स करने के बाद। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में टीचिंग दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी 7,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है। अगर आप किसी छोटे मोटे स्कूल में टीचर बनते हैं तो फिर वहाँ पर आपको 7,000 के अराउंड ही सैलरी मिलेगी। बट आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में टीचर बनते हैं तो फिर वहाँ पर आपको 20,000 तक की भी सैलरी मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी NTT के बारे में। तो स्टिल अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप नीचे कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने की। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में बताते रहें।